नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आरसीबी को उसी के घर में केकेआर ने कमाल की हार दी है और शानदार तरीके से जीत दर्ज केकेआर ने करी है। केकेआर की इस जीत के बाद नीतीश राणा के उन फैसलों की चर्चा हो रही है जिन फैसलों के दम पर शानदार तरीके से केकेआर ने जीत दर्ज करी। तो मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में नीतीश राणा के वो तीन फैसले बताऊंगा जिन तीन फैसलों के दम पर केकेआर ने धमाकेदार अंदाज में जीत दर्ज करी। सबसे पहला फैसला और सबसे बड़ा फैसला जो आज रहा वो था जेसन रॉय को ओपनिंग करवाने का। जेसन रॉय ने कमाल की बेहतर बल्लेबाजी की और शानदार तरीके से जेसन रॉय ने जिस तरीके से शुरुआत दी उससे पता चला कि हाँ, केकेआर को जिस ओपनर की तलाश थी वो ओपनर मिल गया है। उसके बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा फैसला आज नीतीश राणा का रहा वो आरसीबी की बल्लेबाजी के वक्त रहा। आरसीबी के बल्लेबाजों ने शुरुआत में जब आक्रमण अंदाज शुरू अपना दिया था, फाफ डुप्लेसिस, विराट कोहली चौके छक्के लगाने लगे थे, उस वक्त नीतीश राणा ने स्पिनर लगा दिया, सुयश शर्मा को गेंदबाजी पर लगा दिया और सुयश शर्मा ने आते ही फाफ डुप्लेसिस का विकेट चटका दिया। तो फाफ डुप्लेसिस का वहां आउट होना जाहिर तौर पर केकेआर की जीत का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि अगर फाफ डुप्लेसिस कुछ ओवर रुक जाते तो शायद इस मैच को निकाल कर ले जाते। इसीलिए सुयश शर्मा का वहां पर लगाना, नीतीश राणा का जो फैसला था जो तीसरे ओवर में पावर प्ले में सुयश शर्मा को लगा दिया था, जाहिर तौर पर वो सबसे बड़ा फैसला रहा था और इसकी तारीफ की जा रही है जिस तरीके नीतीश राणा ने वो फैसला लिया। उसके बाद में जिस वक्त विराट कोहली धुआंधार बंदा अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लग रहा था कि शायद विराट कोहली मैच को जिताकर ले जाएंगे, तूफानी अंदाज में चौके छक्के लगा रहे थे, उस वक्त नीतीश राणा ने आंद्रे रसल को लगा दिया। और रसल जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, जिस अंदाज में वो गेंदबाजी करते हैं रसल, उसी गेंदबाजी के अंदाज में रसल ने कमाल की गेंदबाजी की, शॉर्ट पिच बाउंसर डाला, हाफ ट्रैकर बॉल थी और विराट कोहली उस पर छक्का लगाने की कोशिश कर रहे थे और बाउंड्री लाइन पर लपके गए। उसके साथ ही नीतीश राणा ने आज वरुण चक्रवर्ती का बखूबी इस्तेमाल किया। आखिरी ओवर्स में, बीच के ओवर्स में और आखिरी ओवर्स में वरुण चक्रवर्ती ने ना केवल रन रोके बल्कि विकेट भी चटकाए और केकेआर की जीत में एक अहम योगदान निभाया। तो जाहिर तौर पर आज कप्तान के तौर पर नीतीश राणा ने कमाल की बल्लेबाजी के साथ साथ कमाल के फैसले लिए और इन फैसलों के दम पर ही केकेआर को इस मुकाबले में जीत मिली है। तो जाहिर तौर पर नीतीश राणा की कप्तानी की आज चर्चा हुई, नीतीश राणा की कप्तानी की आज तारीफ हुई और आज इस मुकाबले को देखकर यह लग रहा है कि नीतीश राणा धीरे धीरे सीख रहे हैं और आने वाले मुकाबलों में नीतीश राणा की कप्तानी की तारीफ की जाएगी। तो आपका नीतीश राणा की कप्तानी पर और इन तीन फैसलों पर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। और आपको क्या लगता है मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था, विराट कोहली का विकेट या फाफ डुप्लेसिस का विकेट, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।